नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 194Q परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर TDS की बात करता है। यहीं पर इस दोस्तों एक सेक्शन है, सेक्शन 2061H, जो सेल्स के केस में TDS की बात करता है, TCS की बात करता है कि आपको TCS कब कलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सपोज मैं एक गुड्स आपसे परचेज करता हूं, मैंने किसी सप्लायर से मैंने गुड्स को परचेज किया और लेट से उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए की है। अब दोस्तों मैंने जब उससे 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा तो एज पर 194Q मुझे उसके ऊपर TDS काटना होगा। और वो सेलर है, उसने सेल किया, 1 करोड़ रुपए का माल मुझको सेल किया, तो उसे सेक्शन 206C1H के अकॉर्डिंग उसको भी TCS कलेक्ट करना होगा मुझसे। अब क्वेश्चन यह है कि क्या इस ट्रांजेक्शन में जो सेलर है वो TCS को मुझसे कलेक्ट करेगा और जब मैं उसे पेमेंट करूंगा तो मैं TDS डिडक्ट करके मैं उसको पेमेंट करूंगा, क्या ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे इस ट्रांजेक्शन में? तो दोस्तों आज हम इसी बात को समझेंगे कि क्या 194Q और 206C1H दोनों सेक्शन एक ट्रांजेक्शन पे लगेंगे या कोई एक लगेगा, और यदि लगेगा तो कौन सा सेक्शन लगेगा। दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194Q की। 194Q क्लियरली कहता है कि यदि आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल एक सप्लायर से परचेज करते हैं इन ए ईयर तो आपको TDS काटना होगा। अब सेक्शन 206C1H बोलता है कि यदि आप किसी को माल बेचते हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा का, आप यदि किसी को 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचते हैं तो उस केस में आपको जब आप पेमेंट कलेक्टर हो तो आपको 206C1H के अकॉर्डिंग आपको टैक्स कलेक्शन करना होगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई दोनों ही सेक्शंस एक ही ट्रांजेक्शन पे लग गए, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया 1 करोड़ रुपए का, तो मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों उस केस में सेक्शन 2061H के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी बायर ने इनकम टैक्स के किसी और प्रोविजन के अकॉर्डिंग यदि कोई टैक्स काटा है, यदि कोई बायर, भाई मैं सप्लायर हूं तो 206C कब लग रहा है? जब मैं बेचूंगा। तो मेरे केस में मुझे ये कहा गया है कि ये जो बायर है यदि वो किसी और सेक्शन के अंदर 194 है, 194A B C D E F G H, टोटल मिलाकर 38 सेक्शंस हैं, तो किसी भी सेक्शन में यदि वो TDS को काटता है तो जो सेलर है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फिर TCS को कलेक्ट करे। अब हम बात करें इसी ट्रांजेक्शन की, इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि जो बायर है वो TDS किस सेक्शन में काट रहा है? वो सेक्शन काट रहा है 194Q के अंदर। जब वो 194Q के अंदर TDS को काट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर वो TCS कलेक्ट करे। तो दोस्तों जब कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी होगी कि जिसमें बायर और सेलर दोनों के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, टैक्स कलेक्ट करने की या टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी बनती है, तो बायर को उस केस में, जो बायर है वो उस केस में TDS को काटेगा और जमा कराएगा, यानी कि उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी ना कि सेलर की। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आपके यहां पर ट्रांजेक्शन होंगे तो ये कंफ्यूजन आएगा कि भाई मैं काटूं या सेलर काटे, मैं बायर हूं तो बायर के अकॉर्डिंग मुझे काटूं, मुझे काटना है, या सेलर कहेगा कि जी मुझे काटना है, दोनों में लड़ाई हो। तो आप क्लियरली बता दीजिएगा कि भाई मैं बायर हूं तो TDS मैं काटूंगा, आप सेलर हो, आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे पूरा पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपकी ये क्वेरी अब सॉल्व हो गई होगी, आपके मन से डाउट निकल गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की रेगुलर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।